नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो हिंदी भाषा में है। इसका टाइटल है, कनाडा के अंदर सरकारी कॉलेज अच्छे होते हैं या प्राइवेट कॉलेज अच्छे होते हैं। ये वीडियो मैंने अपने खुद के तजर्बे मुताबिक बनाई है। देखो क्या है कि कनाडा के अंदर जो पब्लिक कॉलेज होते हैं उनकी फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ कनाडा या जिस भी स्टेट में वो आधारित है वहाँ के सरकार से फंडिंग होती है, जिसके अंदर हर तरह की सहूलत उपलब्ध होती है, जैसे लाइब्रेरी, हॉस्टल्स, फिर वर्कशॉप्स, इक्विपमेंट, हर एक चीज़ उसके अंदर अवेलेबल रहती है। प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट अदारे के होते हैं, जिन जो एक या दो कमरों के होते हैं में होते हैं, वहाँ कोई भी लोकल नागरिक लड़का या लड़की पढ़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि वो किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ही पढ़ने के लिए जाते हैं जो कि पब्लिक फंडेड होते हैं। वहाँ उनकी फीस कम होती है, इसलिए वहाँ पे पढ़ने जाते हैं। जो सरकारी कॉलेज है उसका कैंपस बहुत बड़ा होता है, प्राइवेट कॉलेज दो या तीन कमरों का भी होता है। कनाडा की सरकार ने अपने नियमों में बहुत चेंजेस लाई की हैं। 2024 में आपको मेरी सिफारिश है कि आप यदि भारत से जा रहे हो पढ़ाई करने के लिए, एक तो आपको पढ़ने का शौक होना चाहिए, दूसरा वहाँ पे आप सरकारी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लो, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश मत करो, इससे आपका नुकसान हो सकता है। और अधिक जानकारी के लिए ऊपर दिए गए फ़ोन नंबरों के ऊपर मंडे टू फ्राइडे आप हमारे से संपर्क कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर विद अस।